आम आदमी कह रहा है कि निर्णय बहुत बढ़िया है, भारत को मजबूती देने वाला निर्णय है। धीरे धीरे करेंसी की जो अभी 4,500 लिमिट 4 से बढ़ा के 4,500 की है, 20 से बढ़ा के 4,524 की है, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत की सरकार भी इस बात को कह चुकी है कि हम जैसे जैसे करेंसी, आज ही है कि हम हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से सब जगह बैंकों में करेंसी पूरी पहुँचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, सवाल तो कांग्रेस का काम है, क्रोध का काम है। यदि उसकी अच्छी नीतियाँ हैं तो हमारे राहुल जी ने उसका स्वागत भी किया है, सम्मान भी किया है, धन्यवाद भी दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, अभी काले धन की रोकने की बात हो, लेकिन जहाँ पर उसकी जो योजना है, जो बात करते हैं, जो जिसको कह सकते हैं कि कथनी और करनी मंत्र है, आज तक जो घोषणाएं की या मन की बात की वो धरातल पर नहीं आ पाई है। सप्लाई हमने कंप्लीट सब पीडीएस डीलरों को की हुई है और उसका संपूर्ण सप्लाई चालू है, और ये माननीय मोदी जी का एक बहुत ऐतिहासिक साहसिक निर्णय रहा है जिससे पूरे देश में सराहना और प्रशंसा हो रही है। कांग्रेस ने घबरा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित जनादेश मिलने के बावजूद जो भीरूपन है नरेंद्र मोदी जी का वो बार बार अभिव्यक्त होता है। सार्वजनिक मंचों से विदेश की धरती पर जाकर कांग्रेस को कोसना, विपक्ष के प्रति अनर्गल बयानबाजी करना, ये काम प्रधानमंत्री ने किया जो उन्हें शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि पर सवाल क्यों? ब्रेक से पहले मैं आप ही के पास था लक्ष्मीकांत जी, फिर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप अपनी राय रखिए बिना आरोप के, मुझे ये बता दीजिए, ये साबित कर दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री की छवि को लेकर आपको नहीं लगता कि अगर सवाल उठेंगे तो बीजेपी का फायदा ज्यादा होगा या देश का अहित ज्यादा होगा? देखिए अश्विनी जी, इस देश में लोकतंत्र है, और नरेंद्र मोदी जी हो या इनके पहले के कोई प्रधानमंत्री हो या बड़े नेता हो, सबके ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग इस देश में हमेशा मौजूद रहे हैं। यहाँ इतना मजबूत लोकतंत्र है कि क्या यहाँ पर राजशाही में जो लोग हैं, जो शासक लोग हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत फ्रीडम से रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार देश में है, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बिना वजह मोदी को गाली देते हैं, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, लोग उनकी भी बात सुन रहे हैं। इसलिए इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसी देश में असहिष्णुता की बात आती है, इसी देश में कहा जाता है कि बोलने की आजादी है लेकिन अब उस पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए मैं बताऊं, और उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार। मैं बताऊं आपको इसमें क्या है। आप देखिए, ब्लैक मनी को बैन करने के लिए नोटों को बैन किया गया, 1,500 को। उसके पहले कुछ एनजीओ बैन किए गए जो विदेशी फंडिंग लेते थे। उसके पहले कुछ और ऐसे डिसीजन हुए जो उन लोगों पर सीधी चोट कर रहे थे जो कि इस सिस्टम में ऐसे 50-50 साल से जड़े जमा कर बैठे थे। आपका तर्क में लक्ष्मीकांत जी छोटे में समझूं तो ये बात हम कह सकते हैं कि जिन लोगों पर अब गाज गिरी है वो लोग सरकार विरोधी नहीं, प्रधानमंत्री विरोधी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री विरोधी होना स्वाभाविक है सर, जिसके सीधे गिरेबान पे आप हाथ डालोगे, जिसने 70 साल से लूट मचा रखी थी और उसके लूट को आप बाहर निकालोगे, वो बौखलाएगा, बोलेगा। ओम सैनी जी, एक बात कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी कि इतिहास में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत पर सवाल खड़े होते रहे। मनमोहन सिंह के मौन रहने पर तो सवाल हुए, लेकिन इससे ज्यादा कहीं आरोप हमने देखे नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री बनने से पहले हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से, लक्ष्मीकांत जी ने कहा पहले से ही सिलसिला जारी है, क्या इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण होगा? अश्विनी, पार्लियामेंट सिस्टम में जब कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका एक दल भी होता है निश्चित रूप से, और उस दल का अपना आंतरिक प्रजातंत्र भी होता है, और ये प्रजातंत्र कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में निर्वाचित हो रहे हैं बहुमत दल के जो नेता बनते हैं। तो अब तक ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो अपने दल में राय मशवरा करते हैं, उसके बाद में सामने आते हैं। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। मुझे श्रीमती गांधी के वक्त में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला बनने लगा था कि कैबिनेट गौण हो गई थी और प्रधानमंत्री नजर आते थे। ठीक वैसा का वैसा सिलसिला मोदी जी के शासन में भी ऐसा ही नजर आने लगा है। इसकी वजह से मुझे लगता यह है कि लोगों को सब कुछ अगर अच्छा करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अच्छा करते हैं तो मोदी जी की तारीफ होती है, बुरा होता है तो मोदी जी की बुराई होती है। पार्टी को भूल जाते हैं, उस लीडरशिप को भूल जाते हैं जो कलेक्टिव है, और ये इसके लिए जिम्मेवार मेरा ख्याल है। नेशन का जिक्र किया आपने, नेशन कहाँ गया यहाँ पर? देखिए, नेशन राष्ट्र तो होता है निश्चित रूप से, लेकिन वो जब दल में ही ऐसा सिलसिला हो, दल ही इसको स्वीकार कर रहा हो कि अब हमारे लिए प्रमुख व्यक्ति है और वो व्यक्ति ही नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब चीजें बदल जाती हैं। अकोदिया साहब, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं आइंदा से हम, या फिर केंद्र सरकार पर? देखिए, केंद्र सरकार के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। यदि आप ये दो तरफा चीज है, इसको इस तरह समझिए आप, नहीं, एक तो कलेक्टिव अप्रोच वाली बात हुई, यहाँ पर जो ओम सैनी जी का कहना था सिंगल साइड डिसीजन अगर होंगे तो फिर
एक तरफा ही वार होगा। देखिए आप लोकतंत्र केवल आप आलोचना में नहीं ढूंढ सकते हैं, आपको जो क्लासिकल जो डेमोक्रेसी है उसको आपको गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में भी दिखाना पड़ेगा। आप फैसला लेते हैं, मंत्रिमंडल से राय मशवरा करते हैं, यदि किसी का विरोध है आपकी पार्टी में, आपके खिलाफ कोई आवाज उठती है किसी विषय पर, यदि किसी का अलग मत है तो उसको बोलने की आजादी है या नहीं, इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं नहीं, यदि वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है आपके सरकार के भीतर तो आपका वन मैन शो है। तो फिर क्या वजह है कि विपक्ष के तरफ से ही ये स्वर मुखर होते हैं, पार्टी के भीतर से कोई नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता सर? बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, गोविंद आचार्य बोल रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, पार्टी में नहीं है, अरुण शौरी बोलते हैं जो उनके समर्थक हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है सब लोग। नहीं, मैं सरकार के सवाल की बात, सरकार में तो सुब्रमण्यम केंद्रीय मंत्री को भी आकर बोलना चाहिए, बाकी किसी ने तो कुछ कहा नहीं अभी तक। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। जो लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतिगत फैसलों का विरोध करते हैं, वो सब वे लोग हैं जो भाजपा में हाशिए पर हैं। ये जो प्रधानमंत्री के समर्थक हैं सोशल मीडिया पर यदि देखें, उनका जैसे ही बयान आता है तो उनकी प्रतिक्रिया होती है कि ये तो इनको कुछ मिला नहीं इसलिए इस तरह का बोल रहे हैं। आप गोविंदाचार्य जी ने इतना बढ़िया इस पूरा नोटबंदी को समझाया, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है, इनको कुछ मिला नहीं इसलिए इस तरह का बोल रहे हैं। तो इस तरह से यदि आपकी आलोचना हो रही है, उस आलोचना को आप सुनने की बजाय समझने की बजाय क्यों आप सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लिया गया, उनकी रिजर्व बैंक गवर्नर को लेकर तो उनकी सुनवाई हुई, फिर क्या वजह है? केवल उससे नहीं थे। देखिए ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी उनसे नहीं बनती थी, केवल सुब्रमण्यम स्वामी हटाने की वजह नहीं थी, उन्होंने तो और भी कई लोगों को हटाने के लिए उन्होंने तो पूरी एक सूची दी थी। इस मसले को खालिद साहब जुड़े हैं बीकानेर से और कृष्णा जी जयपुर से। खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, सीधी सी बात है, ये जिस पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है अगर सरकार उसकी है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। फिलहाल आज का मुद्दा पीएम मोदी पर सवाल क्यों? समर्थक मैं मोदी साहब का भी समर्थक हूँ, कुछ ज्यादा ही हूँ, लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो उसका मैं विरोध करूंगा। शुक्रिया कृष्णा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तारिक साहब, मैं तो ना तो उसकी विरोध में हूँ मोदी जी के, ना ही उनके पक्ष में हूँ। तारिक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए अगर कोई सच बोले या इनकी कोई भाजपा की तारीफ करे तो अच्छा व्यक्ति है, यदि इनकी कोई बुराई करे तो वो उनके लिए बुरा व्यक्ति है। आज अगर कोई विपक्ष में बैठ के अगर इनकी बुराई करता तो उनके लिए बहुत बड़ा गलत आदमी है। आज देश के आज के ऐसे हालात कर दिए इन्होंने, इनको खुद को ही पता नहीं है रास्ता कहाँ से निकले, इन्होंने अच्छे अच्छे वादे तो कर दिए, आज इन्होंने नोट चेंज का जो नया फॉर्मूला। चलिए, आपने एक पक्ष रखा यहाँ पर कि केंद्र के स्वर में स्वर मिलाना जरूरी है। सुनील प्रजापत जी भी जुड़े हैं जयपुर से, आप बताइए क्या कहेंगे? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार जी। अश्विनी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को देखो, 2.5 साल में इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, मर्दों वाला काम। अब आप देखो, इन्हीं की पार्टी के विधायक ले लो, MP ले लो, ये नहीं चाहते थे कि ये 1500 नोट बंद हो, लेकिन फिर भी ऐसा कड़ा कदम उठाया। बाकी आज आप मंत्री को ले लो, किन्हीं को भी ले, इनके सबके मुंह उतर रहे, क्योंकि इनके पास भी काला धन था, लेकिन मोदी जी ने एकला एक ऐसा दम दिखाया। वन मैन आदमी शो आप यहाँ पर कहना चाहते हैं। अनिल शर्मा जी भी है करौली से, आ रहा हूँ भंडारी साहब आप ही के पास आऊंगा। नमस्कार अनिल शर्मा जी। सर नमस्ते अश्विनी जी। जी सर, मैं लक्ष्मीकांत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि आज नरेंद्र मोदी जी की माँ लाइन में लगी, बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी लाइन में लगे, पैसों की खातिर, उनको पैसों की जरूरत थी, क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी को पैसों, अब तक पैसों की जरूरत नहीं पड़ी है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। लक्ष्मीकांत जी जवाब दे दीजिए, मैं पूनम चंद जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। हाँ अनिल जी जानना चाहते हैं कि मोदी जी की 93 साल की माँ को लाइन में खड़ा करके क्या कुछ साबित करने की कोशिश की गई? देखिए मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के लाइन में लगने में और मोदी जी की माँ के लाइन में लगने में अंतर है। आपने कभी राहुल गांधी को ATM की लाइन में लगते हुए आज से पहले नहीं देखा होगा, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म या कभी एयरपोर्ट पे लाइन में लगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मोदी जी की माँ को आज से 1.5 महीने पहले सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हुए आपने देखा होगा, चुनाव में वोट डालते हुए आपने ऑटो से जाते हुए देखा होगा। इसलिए वो एक सामान्य परिवार में रहती हैं, सामान्य घर में रहती हैं, और देश के प्रधानमंत्री की माँ होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन सामान्य बनाया हुआ है, इसलिए वो अगर 4,500 रुपए बदलाने आ रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तब होता है जब नरेंद्र मोदी
लाइन में लगकर 4,000 रुपए बदलाएं क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है, और अगर कोई उन्हीं के बराबर का कोई या उन्हीं के दूसरे दल का नेता बदलाए प्रधानमंत्री का उनको खुद को पैसे खर्च भी नहीं करने। मैं माफी चाहूंगा पूनम चंद जी, ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद मैं आप ही का रुख करूंगा। विजय सोनी जी मैं आप भी बने रहिए, मैं कुछ ही देर में जुड़ूंगा आपसे। सरकार जो भी फैसले लेती है वो जनता के हित के लिए ही फैसले लेती है, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो खिलाफ हो, बल्कि जो भी फैसले होते हैं सरकार के वो सारे हित के ही होते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बवाल गलत ही है, क्योंकि जो ये मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये दूरगामी सोच रखते हुए लिया है, और इससे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने जो यह फैसला लिया है 1,500 के नोट बंद करने का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है।